बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ बन रही हैं अलसी की टुकड़ियाँ। पिनिया मैं नहीं बना पाऊँगी इसलिए मैं पिनिया नहीं कह रही हूँ। पिनियों को बनाना मुश्किल है, गरम गरम मावे को हाथों से करना, ग्लव्स पहन के मुझसे होता नहीं है। शुरू में मैंने कोशिश की थी पिनिया बनाने की, हाथ जला लिया था। उस दिन से लेके आज तक दोबारा मैंने कोशिश नहीं की। आपको ट्रे नज़र आ रही होगी, ग्रीस करके रखी हुई है मैंने। इसके अंदर मैं जमाऊँगी उनको, फिर चाहे आप हाथों से काट लें या छुरी से काट लें। सलाम है हमारी अम्मियों को जो बना लिया करती थी गरम गरम पिनिया, और जो अब बनाती हैं उनको। आइए देखते हैं हमें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो मेरे पास फ्लैक्स सीड या अलसी है। एक किलो इसमें शक्कर, चीनी या गुड़ जाएगा। आपके घर में हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो आप पूरी डालिएगा। मैं 700 ग्राम शक्कर इसमें डाल रही हूँ। एक किलो इसमें होल व्हीट आटा जाएगा। अब एक किलो जितना हमें घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो चाहिए होगा। आटा भूनेंगे तो हम इसके अंदर घी या ऑयल जो भी डालना होगा डालेंगे, देखेंगे जितनी ज़रूरत है। अगर किलो जाएगा तो किलो ही फिर डाल देंगे इसके अंदर, वो भूनते वक्त हम देख लेंगे। मेरे पास ये 1.5 कप जितने बादाम और अखरोट हैं कटे हुए, आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम अलसी या फ्लैक्स सीड को भुनेंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीस लेंगे, फिर दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अलसी को मैंने भुनने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इसको स्लो हीट पे हम भुनेंगे। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाएंगे। इसको टाइम लगेगा भूनते हुए। जब ये बिल्कुल भुनने के करीब होगी तो इसके ये जो सीड्स हैं इनमें से क्रैकिंग की आवाज़ें आएंगी, तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट भुन चुकी है। अब मैं इसको स्लो हीट पे भून रही हूँ, आवाज़ें आती हैं क्रैकिंग की सीड्स की, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अलसी हमारी बहुत अच्छे से भुन रही है, इसका कलर आप देखेंगे पहले से चेंज हो गया है। ये आपको क्रैकिंग की आवाज़ें आ रही होंगी, इसका मतलब है ये भुन गई है। चूल्हा मैंने नीचे कर दिया है बंद। इसको अब मैं निकाल के किसी और बर्तन में डालूंगी। इस सॉस पैन के अंदर अब हम जो है वो भून लेंगे आटे को। करती हैं तो दिखाती हूँ। फ्लैक्स सीड ठंडे हो गए थे, अब मैं इनको लगी हूँ पीसने। इनको गरम गरम को मत पीसिएगा, इनका ऑयल निकल आएगा। ठंडे करके इनको फिर पीसेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा रखेंगे। ये देखें अलसी को मैंने अच्छे से जो है वो पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ी मोटी है। फ्राई पैन में मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी के डाले हैं और 1.5 कप जो है वो ऑयल का डाला है। अब इसमें आटा डाल के देखते हैं, जितना मज़ीद हमें ऑयल चाहिए होगा तो फिर इसके अंदर डालते जाएंगे। और ऑयल चाहिए। थोड़ा और ऑयल चाहिए होगा।
हीट जो है वो मीडियम रखेंगे। आटा भुनना शुरू कर देगा तो हीट को लो पे ले जाएंगे। 4 चम्मच देसी घी के मैंने पहले डाले थे खाने वाले और 2 अब डाल रही हूँ। ये 1 किलो ऑयल और देसी घी इकट्ठे हैं मैंने जो अपनी मेजरमेंट करके रखे हुए थे। अब मैं इसी में भूनूंगी इसको, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और हीट मैंने लो पे कर दी है। इसके अंदर 1 किलो पूरा घी या ऑयल जाएगा। मैंने आटे के अंदर 6 टेबलस्पून जितना देसी घी डाला है और बाकी कैनोला ऑयल डाला है। वज़न मैंने 1 किलो करके दोनों को मिला के रखा था। 1/4 कप मैंने तेल का इसमें से बचा लिया है। आप वो डालना चाहते हैं साथ तो डाल दें। आपको लग रहा होगा कि आटा शायद थोड़ा सख्त है, तो ये थोड़ा सा भुनेगा तो नरम हो जाएगा। थोड़ा भुनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत हद तक भुन गया है आटा। इसकी थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, कलर इसका पहले से थोड़ा डार्क हो गया है। थोड़ा अब इसको मज़ीद भुनेंगे। एक किलो में से 3/4 कप मैंने ऑयल जो है वो इसमें नहीं डाला, वो बच गया है, बल्कि मैंने बचाया है। भुन रहा है बहुत अच्छे से, देखें बहुत सॉफ्ट है ये। इसके ऊपर आपको ऑयल की चमक भी नज़र आ रही होगी। आप पूरा डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। अब ये भुन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा बहुत अच्छे से भुन गया है। मुझे 1/2 घंटा लगा है इसको हल्की आग पे भूनते हुए। अब मैंने जो नट्स रखे थे वो इसमें डाल रही हूँ, साथ ही इसके थोड़े से ये भी रोस्ट हो जाएंगे। इसको अब मैं कर दूँगी दूसरी साइड पे और बड़े सॉस पैन में हम चाश बनाएंगे। नट्स अगर आप पहले ऑयल में रोस्ट करके काट के डालना चाहें या पीस के जैसे भी डालना चाहें वैसे डाल दें, नहीं डालने हैं तो ना डालें। इसको अब मैं दूसरी साइड पे करती हूँ और बड़ा सॉस पैन रखती हूँ ताकि हमें चीज़ों को मिक्स करना आसान हो। हम अब चाश बनाएंगे शक्कर की। आग को मैंने अब तेज़ किया है। 1/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी का, 3/4 कप। साथ ही अब इसमें शक्कर डाल दूँगी। इसकी हमने एक तार वाली चाश बनानी है। आटा दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है, मैं उसमें भी 7 चम्मच हिला रही हूँ। चूल्हे से तो मैंने उतार दिया है। ये चीज़ें टाइम बहुत लेती हैं बनते हुए, साल में 1 या 2 दफ़ा तो बनानी होती हैं, तो कोई हर्ज नहीं है टाइम लगा के बना लें। आटा आप तेज़ आग पे भी भून सकते हैं, भून जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह से आपने अलसी को भूनना है तो वो भी आप बहुत लो हीट पे उसको करके भूनेंगे। अभी ये पकना शुरू करती है शक्कर, तार बनती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर साथ ही चूल्हा बंद करके तो हम बाकी की जो चीज़ें आटा और अलसी भून के पीस के हमने रखी हुई है वो साथ डाल देंगे। इसने पकना शुरू कर दिया। यहाँ पे अब हमने इसकी तार देखनी है, जो ही एक तार बननी शुरू होगी हमने चूल्हा बंद करके बाकी की चीज़ें इसमें डाल के हिलानी है। अभी थोड़ी सी देर लगेगी। ये देखें
अब जा रहा है नीचे, तो इसकी छोटी सी तार बननी शुरू हो गई है। चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है। अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ये देख, ध्यान से देखें, ये देखें ये तार बन रही है साथ, तो इसका मतलब है अब ये डालने के लिए रेडी है। अब इसमें हम आटा और सारी चीज़ें हम डाल देंगे। पहले मैं इसमें जो हमने अलसी रखी हुई है वो डालूंगी। साथ ही इसमें मैं आटा डाल दूंगी। अपने हाथ बचाइएगा, आटा बहुत गर्म होगा, जहां पे लगेगा ये जला देगा आपके स्किन को। इसको अच्छे से मैं साफ करके डालती हूँ। तो बस यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें साथ साथ ये सख्त होता जा रहा है। मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसको निकाल के तो ट्रे में जमा दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ट्रे में जमा दिया है अलसी को। ऑयल मैंने इसके अंदर 3/4 कप कम डाला था, लेकिन फिर भी ये देखें यहाँ पे कितना ऑयल निकला हुआ है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी पेपर टॉवल, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा और ऑयल जो है ना ये एब्जॉर्ब कर ले। बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट और इसमें से निकल जाए तो अच्छा है। ये देखें बस, अब मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी इसको, और फिर इसके अंदर जो है वो मैं छुरी से टुकड़ियां बना दूंगी। ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर हम निकाल लेंगे। करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अलसी की टुकड़ियां तैयार हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।